लॉकअप फेम पूनम पांडे का निधन हो गया है, ये जानकारी। Wait a minute. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आपको तो पता ही होगा, बड़े दुख की बात है, पूनम पांडे जी की RIP डेथ हो गई है, रेस्ट इन पीस हो गई है वो। ये जब मैंने न्यूज सुनी आई वॉज शॉक्ड, और उसके बाद पता है मैं ना उस बात का दुख बना रही थी, सारी जनता उस बात का दुख बना ही रही थी, मतलब ऐसा फीलिंग में जा ही रही थी दुख की। अचानक से अगले दिन न्यूज आती कि पूनम पांडे जी एंड आई विल बी लाइक, ये कौन से नौटंकी है भाई। और जब भाई मैंने इसको कंफर्म करने के लिए पूनम मरने की आईडी खोली, आई एम अलाइव, आई डिडंट डाई बिकॉज़ ऑफ सर्विकल कैंसर, और मैंने देखा ओह ये तो सच में जिंदा, फिर मेरे को बहुत ज्यादा दुख हुआ, फिर मुझे ज्यादा दुख हो गया। खैर शुक्र मनाओ पूनम पांडे के अच्छे भले बहुत ज्यादा जेन्युइन फैन नहीं है, मनाओ उनको कुछ हो जाता तो फिर क्या होता, वो बेचारा तो मतलब उसके साथ तो मोहे मोहे हो जाता ना, क्योंकि अगर उसके फैन कुछ करकुरा लेते तो उन बिचारों का तो मोए मोए हो जाते, क्योंकि पूनम पांडे तो छुपी बैठी थी बिल के अंदर और अगले दिन आके धप्पा, oh no! मैं तो लाइव हूँ, मतलब अलाइव हूँ। क्या बढ़िया था गुरु। वैसे दीदी आपको ये खेल खेलने की क्या जरूरत थी, मतलब मौत का खेल भी खेलते हैं लोग, मतलब गाइज आई डोंट बिलीव। क्या बोला तूने? नहीं मुझे भरोसा है, कलयुग चल रहा है, कलयुग में कोई कुछ भी कर सकते, स्पेशली पूनम पांडे। पूनम पांडे की जो हरकतें हैं भाई, वो सिर्फ और सिर्फ पूनम पांडे कर सकती है, मतलब पूनम पांडे ने तो राखी को भी फेल कर दिया। राखी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में माहिर थी, पर पूनम पांडे तो दुनिया को कंट्रोवर्सी बना दिया, अपनी जिंदगी को कंट्रोवर्सी बना दिया पूनम पांडे ने। वेल डन पूनम पांडे, वेल डन, मजा आ गया। ये वही पूनम पांडे है जो लॉकअप में आई थी। क्या बात कर रहे बाबा, और जो इनके फैंस इनकी सेक्सीनेस और हॉटनेस के चक्कर में इनको फॉलो करते। जब पूनम पांडे की डेथ की न्यूज आई ना, ऑल लोंडास बी लाइक ओ शिट, अब किससे कहेंगे, अब किससे कहेंगे, प्यारी समझ गई। मतलब अब किससे कैसे, मतलब अब किसको फॉलो करेंगे, मतलब पूनम पांडे यार, पूनम पांडे की प्रोफाइल देख लोगे ना तो पूनम की साइड से कम नहीं लगेगी तुम्हें। खैर अपने को क्या, भगवान से सी दुआ करते हैं कि आप जल्दी ही मिले आपको। सो गाइस चलो अभी जाती हूँ मैं तो ऐसे ही मस्त वीडियो बनाने आई थी, वैसे दीदी की एक दो वीडियो देख भी लेती है, सेक्सीनेस से भरी हुई। ओहो हो हो दीदी, वीडियो छोड़ो, आपका जो दिल दिख रहा है ना कसम से, वीडियो पे तो मिलियन लाइक व्यूज आने ही है, बस दिल दिख जाए, खिड़की से लड़की की झलक दिख जाए, और क्या चाहिए लौंडों को, और आपने तो पूरा झलका दिखा दिया, तो वीडियो पे तो मिलियन व्यूज आने थे। वैसे पूनम पांडे दी, आप इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कलयुग का समय है, बुरे लोगों को भगवान बुलाने से भी डरते हैं, यू नो। आई होप आप हमेशा खुश रहे, खुश तो रहेंगी आप, जो दूसरों की जिंदगी खराब कर देते हैं ना वो खुश ही रहते हैं। समझ रहे हो ना। और मेरे को तो यकीन ही नहीं था, क्योंकि अगर कोई भी मरता है ना तो ऑफकोर्स पहले आके उसकी स्टोरी पोस्ट नहीं की जाती गाइस, उसकी स्टोरी कोई पोस्ट नहीं करता कि यार वो अब नहीं रही, ऐसा कोई नहीं करता भाई। जब घर में किसी की डेथ हो जाती है तो भैया मातम छा जाता है, स्टोरी लगाना तो दूर की बात है, पता भी नहीं होता है लोगों को, आस पड़ोस के लोग बताते हैं। खैर हमें क्या लेना देना है। वैसे पूनम पांडे जी आपने जो एक कामनामा किया है वो भाई यार तो था, लेकिन इससे एक प्रॉफिट हुआ है, जो सर्विकल कैंसर था इस मतलब है, उसके बारे में किसी को पता नहीं था भाई, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, मुझे कोई आइडिया नहीं था, लिटरली कोई आइडिया नहीं था, मैं लड़की हूँ। लेकिन जब ये पूनम पांडे ने ये स्टंट क्रिएट किया उसके बाद भाई इस कैंसर के बारे में मेरे को भी थोड़ा सा पता चला, मैंने खुद से सर्च किया है कि ये ज़्यादातर लड़कियों को होता है और इसकी वैक्सीन लेना कंपलसरी है लड़कियों, छोटी लड़कियों के लिए, मैं भी 6 से 16 साल की लड़कियों के लिए कुछ ऐसा, 9 से 16 साल की लड़कियों के लिए कंपलसरी है, और इसकी वैक्सीन है HPV समथिंग में। तो गाइज जब मुझे पता चला ये ज़्यादातर फीमेल्स को ही होता है तो मैंने इसके बारे में पता कि ऑफकोर्स अब इसके बारे में एक फ़ायदा हुआ है हम, मेरे को भी और सारी दुनिया की लड़कियों को ज़्यादातर, कि जिनको इसके बारे में पता नहीं था उनको इस चीज़ के बारे में फाइनली पता चल चुका है। मुझे तो ज़रूर पता चल गया भाई, दूसरों का मुझे पता नहीं, लेकिन इसके बारे में पहली बार बाहर आया, मेरे को आज तक पता नहीं था सर्विकल कैंसर क्या होता है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि ये पता चला है मुझे। एंड भाई ये कोई मजाक नहीं है, बहुत सीरियस टॉपिक है, क्योंकि लड़कियों को ही होता है और बहुत ही सीरियस है, लड़कियों के लिए बहुत ही वेरी पेनफुल है।
तो इट्स बेटर भी कि आप सारी लड़कियों से मैं यही बात बोलूँगी, आप इसके बारे में सर्च करो और वैक्सीन लो एंड अच्छे रहो यार गाइस, क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों को होता है, और बाकी डिटेल आप पढ़ लो क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। सो गाइस दिस इज एंड ऑफ द वीडियो, लाइक शेयर कमेंट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बाय बाय।